ये कर ले वो मैं कह रहा हूँ दो घंटे में लगेगा ना बड़ा नंबर दे दो नंबर दे देता दो घंटे में ही पाएंगे दो घंटे में आपके बोलने पे ही जा रहा है इनकी बात पे कोई भरोसा नहीं है बाकी बात है लुकमान भाई होम अरेंजमेंट तो यही बैठेंगे हम नहीं जाएंगे उठ के तुम क्या हृदय ले रहे क्या हमारी कैसे बोला अरेंजमेंट नहीं होगा अरे नहीं होगा तो हम नहीं बैठेंगे एक बार बात बोला है क्या आपको रिकॉर्ड कर रहे देखिए ना वहाँ पे बात करेंगे तो अरेंजमेंट नहीं होगा आप जो बात की बात है वो करो बात घुमाओ मत तुम ये नहीं हमको छोड़ दो कर रहे अभी इसका भी यहाँ का नुकसान कौन देगा सॉल्यूशन करने तुम बात घुमाओ नुकसान तुम्हारी गांव के को हमारे उसमें पहुंच रहे क्या तुम चालू कर रहा है वही करने का है तो अभी औरतों को लगा दूंगा चप्पल से मारते कला एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने इस गरीब और पिछड़ी बस्ती का हम लोगों से काम ले रहा है। तफसील ये है कि गुज़िश्ता 8-10 दिनों से पवारवाड़ी पे पावर का मसला था। एक डीपी उड़ी थी 8-10 दिन हो गया था डीपी लग नहीं रही थी जबकि पावर हाउस का रूल है कि डीपी 6 घंटे के अंदर नई डीपी लग जाना चाहिए अगर एक डीपी फेल होती है तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए 8-10 दिन गुजर जाने बाद कोई पुरुषान हाल ना था तो हम लोगों ने औरतों के एक वफ्तों के साथ हम लोग पावर हाउस सटाना नाका दी स्क्वायर बिल्डिंग गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने जाकर काफ़ी बहस मुबाहसा किया। हम लोगों ने ऑफिस के तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे। ऑफिस के दरवाजे बंद करने बाद हम लोगों की ये मांग थी कि आज हम लोगों का काम नहीं तो हम किसी का काम नहीं करने देंगे। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस भी बीच बिछाव कर पुलिस हमला भी वहाँ पर आ गया था जिससे ऑफिसर के ऊपर प्रेशर बना के वहाँ पर नई डीपी लगाने का मुस्तकिल हल नहीं था। हम लोगों की मांग ये थी कि वहाँ पर जो डीपी है उसका लोड बढ़ाया जाए। डीपी का लोड बढ़ाने से ही वहाँ का मसला हल होगा। तो वहाँ के ऑफिसरों का कहना था कि बिजली चोरी है ये वो हम जो भी उनका जो मसला था वो बताने लगे तो हम लोग एक बात पर ठान थे कि हम लोगों को नई डीपी चाहिए हमको लोड बढ़ा कर दो अब तो हमारी बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अर्जेंट 24 घंटे के अंदर एक डीपी नई डीपी सेंक्शन करके नया स्ट्रक्चर खड़ा करके उन्होंने एक नई डीपी लगा दी। हम लोग का आवाम का भी शुक्रिया अदा करते जो लोग हमारे साथ गए और जो ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर आके बीच में हम बीच बिछाव करके हम लोगों का साथ दिया हम लोगों का भी उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आवाम से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप भी लीडरों के भरोसे ना रहे। लीडर एक छोटा काम निकाल कर बड़ा फ़ायदा उठा लेता है। तो आप लोग भी आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि पावर हाउस का जो काम है टेक्निकल बुनियाद पर अपना काम करें और लीडरों के भरोसे ना रहें।